आज का टॉपिक है मेम्ब्रेन चैनल्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बताए थे कि मेम्ब्रेन में डिफरेंट तरह का प्रोटीन होता है, इंट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक। फिर इंट्रिंजिक प्रोटीन में कुछ टनल प्रोटीन कहलाता है और कुछ एम्बेडेड होता है। तो ये जो टनल प्रोटीन है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्वापोरिन्स, दूसरा होता है आयन चैनल्स। एक्वापोरिन्स जो पोर का काम करता है और वो पानी वाटर अलाउ पैसेज ऑफ वाटर। आयन चैनल्स जो है तो ये आयन चैनल्स में इसके ऊपर इस तरह से जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये इस तरह से हुआ, तो ये इस तरह का एक गेट बना हुआ होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसको कहते हैं गेट, जो कि इसको इस चैनल को क्लोज और ओपन करता है, तो उसी को कहते हैं गेट्स। गेट्स क्या है? एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट टू क्लोज चैनल्स, ओपन एंड क्लोज चैनल्स। ये जो है, ये एक गेट्स हुआ, उसको कहते हैं, ऐसे चैनल को हम गेटेड चैनल्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेटेड चैनल्स, ये दो तरह का होता है। यानी गेटेड चैनल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ये दो प्रोसेस के जरिया कंट्रोल होता है, एक वोल्टेज गेटिंग, एक केमिकल गेटिंग। वोल्टेज गेटिंग का मतलब क्या हुआ? चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जब भी यहाँ पर चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये जो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से इसका इस गेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। ऐसे चैनल को वोल्टेज गेटिंग कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल गेटिंग। केमिकल गेटिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल्स कंबाइन करता है, जो कंबाइन करने की वजह से जैसे यहां पर आया कोई एक सब्सटेंस है, यहां पर एक सब्सटेंस स्पेसिफिक काइंड का प्रोटीन है, ये इसे किया, जो इसके कन्फॉर्मेशन इन शेप साइज वगैरह में चेंजिंग कर दिया, तो उसकी वजह से जो गेट है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम चैनल, इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलीन चैनल, इसी का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप एटसेट्रा वगैरह। जैसा कि हमने बताया था कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, वो दो प्रोसेस से होता है। एक पैसिव प्रोसेस, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन आता है। दूसरा होता है एक्टिव प्रोसेस, इसके अंदर तीन चीजें होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो मेनली यहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बयान करेंगे और हल्का सा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में बयान करेंगे, वो सिंपल है। एक्टिव प्रोसेस का जो फीचर्स होता है, ये इसमें एनर्जी खर्च होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आता है? एटीपी से। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, चूंकि एनर्जी खर्च होता है, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ईसीजी, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट कहा है। जैसे मान लिया कि यहां पर 7% है, यहां पर 5% है, तो 5 से 7 की तरफ जा रहा है, और प्रो तो ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और प्रो का मतलब हुआ जब 7 से 5 की तरफ आ रहा है, ये हो गया प्रो, ये हो गया अगेंस्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसीलिए इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता था, कंप्लीट ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, लेकिन यहां पर एक्युमुलेट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स इनसाइड द सेल, ये हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेंटेन डेफिनेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन ईसीएफ एंड आईसीएफ, मतलब ये सेल है, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम आईसीएफ कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन दोनों के बीच में जो है एक डेफिनेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, ताकि सेल सरवाइव कर सके। क्योंकि यही कंसंट्रेशन में अगर चेंजिंग होगा तो
तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा, द सेल विल डाई, द मैन विल डाई। बायोकेमिकल और वाइटल प्रोसेस है ये, और मेडिएटेड थ्रू कैरियर्स, यानी कुछ मॉलिक्यूल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल इससे अटैच करता है, फिर ये ला करके इस दर को छोड़ता है। तो मेडिएटेड बाय यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही तरह पर, और हाईली सिलेक्टिव रैपिड प्रोसेस होता है ये। अगर ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, डाइनाइट्रोफिनोल हो जाएगा, तो ये सबसे ये अफेक्टेड होता है। सो सैचुरेशन इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि शुरू में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, शुरू में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उस वक्त ये सैचुरेशन बढ़ेगा। जैसे इस तरह का ग्राफ आएगा, इसमें इस तरह का ग्राफ आएगा, यहाँ शुरू में कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो ये भी बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां के बाद आप लाख कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसी को सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं। और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को मैंने एक रे डायग्राम के जरिए सिंपल तौर पर बयान करने की कोशिश किया है। इसमें क्या होता है कि सोल्यूट जो है कैरियर से कंबाइन करता है, सोल्यूट जो ECF में है, कैरियर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, ये कैरियर से कंबाइन करता है, ये बनाता है सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स या कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स। अब ये कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स की वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, यानी शेप में चेंजिंग आता है। यहां पर एनर्जी कंजम्पशन होता है, वो एनर्जी कहां से आता है, एटीपी से, जिसको मैंने एडीपी दिया है, एडीपी प्लस पीआई लिया है, और उसके बाद जाकर के दूसरे साइड में सोल्यूट और कैरियर फ्री हो जाता है, सोल्यूट आईसीएफ यानी सेल के अंदर चला जाता है, कैरियर रिवर्ट हो जाता है दूसरा साइकिल स्टार्ट करने के लिए। ये एक शॉर्ट में मैंने मैकेनिज्म ऑफ उसको बताया है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोटेशियम एक्सचेंज पंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप रहता है। नॉर्मल वे में ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज, जो अगले लेक्चर में हम बयान करेंगे। तो मेम्ब्रेन में एक कैरियर प्रोटीन होता है, इस कैरियर प्रोटीन में दो यूनिट सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट अल्फा सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट ये बीटा सब यूनिट होता है। अब ये अल्फा सब यूनिट के इनर साइड में चार रिसेप्टर होता है साइड, तीन सोडियम आयन के लिए होता है, एक एटीपेज एंजाइम के लिए होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि कैरियर प्रोटीन के अंदर जो लार्जर सब यूनिट है, उस लार्जर सब यूनिट के इनर साइड में चार रिसेप्टर सेल होता है, साइट होता है, जिसमें के तीन रिसेप्टर साइट, तीन काउंटर सोडियम आयन के लिए होता है, एक काउंटर एटीपेज के लिए होता है, आउटसाइड में दो रिसेप्टर साइट होता है जो कि पोटेशियम आयन के लिए होता है। ये एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। अब जिस तरह से इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि यहां पर ये सोडियम 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 ये तीन साइड रिसेप्टर साइट है, यहां पर सोडियम जुड़ेगा क्योंकि सोडियम आयन इधर ज्यादा है, सोडियम आयन इन साइड कम है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये तीन जब अटैच करेगा तो तीन सोडियम आयन बाहर निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब आउटसाइड दो है तो दो पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आएगा, जिसको मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, सोडियम आयन अंदर से बाहर जा रहा है। यहां पर सी फेस इंडिकेट करता है साइटोप्लाज्म फेस को, ई फेस इंडिकेट करता है ECF यानी बाहर साइड को। तो इनर से आउटर साइड थ्री सोडियम आयन बाहर जाएगा। अब मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए कि कौन तीन जाता है, कौन दो जाता है। सोडियम के लिए चूंकि तीन रिसेप्टर साइट है, जिसका मतलब तीन बाहर जाएगा, और पोटेशियम के लिए दो रिसेप्टर साइट है, इसलिए दो अंदर जाएगा। तो तीन बाहर दो अंदर ये पोटेशियम मेंटेन करता है। उसके बाद फिर यहां पर एक साइट मैंने दिखाया है एटीपेज एंजाइम का, एक दो तीन, तीन रिसेप्टर साइट सोडियम आयन के लिए, एक एटीपेज एंजाइम के लिए, और इस एक्सचेंज के लिए हम इसी को हम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये ECF है,
ये ICF है यानी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। यहाँ पर मान लिया कि अगर 2 kg सोडियम आयन है तो बाहर जो है 20 kg सोडियम आयन है, यानी यहां से 10 times यहां पर ज्यादा है, उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है 10:1। मेंटेन हायर पोटेशियम कंसंट्रेशन इन ICF, यानी यहां पर पोटेशियम आयन को मेंटेन करता है, यहां पर 30 to 40 times ज्यादा है पोटेशियम आयन बाहर से। तो इट कंट्रोल्स वॉल्यूम ऑफ सेल, कंट्रोल्स वॉल्यूम ऑफ सेल क्योंकि ये एंड ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है। एंड ऑस्मोसिस को कंट्रोल मतलब एक्सेस एंड ऑस्मोसिस को नहीं होने देता है, एक्सोस्मोसिस को नहीं होने देता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सेल को ये मेंटेन रखता है। पॉजिटिव पोटेंशियल आउटसाइड एंड निगेटिव इनसाइड, कोई भी मेम्ब्रेन जो होता है, चाहे नर मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या मसल्स मेम्ब्रेन हो, नॉर्मल वे में पोलराइज्ड स्टेट में आउटसाइड प्लस होता है और इनसाइड माइनस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ऑर्गेनिक आयन ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव आयन है, और इसी में चेंजिंग की वजह से तो ये आउटसाइड पॉजिटिव जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इनसाइड निगेटिव होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए नर्व सेल इज ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, यानी इसी जो अब इस नॉर्मल स्टेट पर अभी जो पेपर जो कि चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा, तो ये जो पोटेंशियल है इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जब इसमें स्टिमुलस दिया जाएगा तो ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और उसकी वजह है सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा है को ट्रांसपोर्ट, ये एक किस्म का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सब्सटेंस जो है अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्रॉस करता है, ये 2 तरीके से करता है, चाहे तो सेम डायरेक्शन में करेगा जिसको हम सिम पोर्ट कहते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में कहेगा इसको एंटीपोर्ट कहते हैं। और इसमें कैरियर प्रोटीन 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो है ये ग्लूकोज या एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड से अटैच करता है, इंटरनल जो सोडियम आयन से करता है, यानी अलोंग विद द ग्लूकोज सोडियम आयन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड और बाद में सोडियम आयन एक्टिवली वहां से बाहर निकल जाता है। इस चीज को पूरे नट सेल में मैंने एक इसको दिखाने की कोशिश किया है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, डाउन हिल प्रोसेस हुआ। लो कंसंट्रेशन से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो यह अप हिल प्रोसेस कहलाएगा, और हाई कंसंट्रेशन से लो में आया, हाई से लो में आया तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया जिसको मैंने PT लिखा है, और लो से हाई की तरफ गया तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। यानी जाहिर सी बात है, ठीक इसको इसी तरह से मान लिया जाए जैसे प्रो द वाटर करेंट, अगर हम स्विम कर रहे हैं, धारा के साथ स्विम कर रहे हैं, धारा के मुखालिफ स्विम कर रहे हैं, तो धारा के साथ जब करेंगे तो हमको कम एनर्जी खर्चा होगा, लेकिन धारा के मुखालिफ करेंगे तो हमको बहुत एनर्जी खर्चा होगा। उसी तरह का ये 2 तरह का प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है जो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। अब यहाँ पर जो इनसाइड और आउटसाइड जो ऑस्मोटिक टेंशन मेंटेन होता है, इसको इस नर्नेस्ट इक्वेशन के जरिए दिखाया जा सकता है, जहां पर W = RT log C1/C2। C1 हाई कंसंट्रेशन है, C2 लो कंसंट्रेशन है, R रियल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया।